हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्लेवे स्कूलों में कुर्सी, मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफॉर्मर व केबल की खरीदी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस विभाग ने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ अटल भूजल योजना के तहत गाँव में स्थित ट्यूबवेल पर वाटर फ्लोमीटर से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई। निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री ने खुशी व्यतीत करते हुए कहा कि ये सरकार के लिए संतोष का विषय है। आज हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में 23 एजेंडाज थे। कुछ 4-5 एजेंडाज ऐसे हैं जो अगली मीटिंग के लिए डेफर किए गए हैं या रद्द किए गए हैं। बाकी जो 18 एजेंडे जिनकी परचेज की है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का उसमें सामान आज खरीद के जो टेंडर्स हैं वो फाइनल हुए हैं। मुख्य रूप से उसमें जैसे स्कूल के बच्चों की पुस्तकें, उसका टेंडर आज किया है पहली से लेकर के आठवीं तक। ऐसे ही जैमर्स, जेल के अंदर जो जैमर लगते हैं उन जैमर्स का एक टेंडर किया है। WCD में जो प्ले वे स्कूल्स बनेंगे उसके लिए स्कूलों के लिए उनकी चेयर्स हैं, बच्चों के लिए अलमिरा हैं, टेबल हैं और वाटर फ्लो मीटर, गांव-गांव में जो पानी हम सप्लाई करते हैं उस पानी सप्लाई में कुल पानी गांव में कितना जा रहा है, ताकि जो शिकायतें हमें मिलती है पानी कम गया ज़्यादा गया उसको नापने के लिए वाटर फ्लो मीटर्स ये लिए गए हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर्स, पावर डिपार्टमेंट के ट्रांसफार्मर्स और केबल ये ली गई है। पुलिस विभाग की 220 गाड़ियां, जिसमें बलेरो और स्कॉर्पियो, ऐसी कुछ गाड़ियां जो पुलिस विभाग को सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक थी वो सब ली गई हैं। तो मोटे रूप से प्रमुख एजेंडा जो है वो मैंने आपके सामने बताया। MEA मिनिस्टर ऑफ नेशनल अफेयर्स वो इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और एक हर क्षण की जो जानकारी उनके पास है और जो भी वहाँ की सहायता के लिए, भारतीयों की सहायता के लिए जो संभव है वो सब किया जाएगा। डिप्लोमेटिक जो सारी बातचीत है वो सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि भारतीयों को किसी प्रकार से कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। बहुत ही हमारे लिए संतोष का विषय है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का, वो भी हम करेंगे और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके, और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो गया।